इन दिनों दुबई के आसमान में भोजपुरी सितारे जगमगा रहे हैं, लेकिन एक सितारा इस अवार्ड शो से नदारद है और इसकी बात वहां सबसे ज़्यादा हो रही है। हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की। वैसे आप सभी जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अवार्ड शो जब भी होते हैं बॉयकॉट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। खेसारी लाल यादव भले ही नहीं गए हों, लेकिन इस बड़े अवार्ड शो में खेसारी के अलावा यश मिश्रा और रितेश पांडे भी नहीं गए हैं, जो कि भोजपुरी जगत के बड़े नाम हैं। बात यहाँ इन्हें नॉमिनेशन भी मिली है, लेकिन फिर भी ये दुबई नहीं गए। बात अगर हीरोइनों की करें तो हीरोइनों में आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह जैसे कई बड़े नाम इस अवार्ड शो से नदारद हैं। कहा यह जा रहा है कि अवार्ड शो पवन सिंह को खुश करने के लिए किया गया है। पवन सिंह को इस अवार्ड शो में कई कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। पवन सिंह यहां स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, साथ ही पवन सिंह के पसंदीदा अरविंद अकेला, कल्लू, अंकुश राजा जैसे कई सितारे भी यहां अपनी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन तब भी बात यहां खेसारी लाल यादव की सबसे ज़्यादा हो रही है। आज खेसारी लाल यादव का बर्थडे भी है और ऐसे मौके पर खेसारी दुबई नहीं जा रहे। दुबई न जाने की सबसे बड़ी वजह खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि वो बिजी हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं अगर इस अवार्ड शो में खेसारी लाल यादव को आमंत्रित किया गया होता तो ज़रूर गए होते। अब आप ये कहेंगे कि खेसारी को आमंत्रित ही नहीं किया गया, तो हम आपको बता दें कि बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में खेसारी लाल यादव नॉमिनेट है, इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। लेकिन ये अवार्ड शो में पवन सिंह शिरकत कर रहे हैं, इस वजह से खेसारी का यहाँ आना इम्पॉसिबल है, ये आप तो जानते ही होंगे। अब ऐसे में अब इसे खेसारी का और पवन की दुश्मनी के रूप में भी इस अवार्ड शो को याद कर सकते हैं।